पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना के दानापुर इलाके में अकिलपुर गांव से दियरा क्षेत्र से जब पीपा पुल पे जीप सवार हो रही थी, उसी वक्त जीप जो है वो रेलिंग से जाकर टकरा गई, जिसके बाद जीप जो है वो गंगा नदी में गिर गया। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दस डी न्यूज। अकिलपुर इलाके से दियरा से जब जीप निकल के पीपा पुल के लिए सवार हो रही थी, यानी पीपा पुल पे चढ़ रही थी, उसी वक्त रेलिंग से जाकर जीप जो है वो टकरा गई। उसके बाद जो है रेलिंग से टकराने के बाद जीप जो है गंगा नदी में गिर गई, जिसके बाद जीप में करीबन 15 से 17 लोग सवार थे और गंगा नदी में जा गिर गए। लेकिन उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर गंगा नदी में कूद कुछ लोगों को बचा लिया है, जिसमें करीबन 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जिसमें 8 शव को यानी मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद डेड बॉडी को निकाल लिया गया है। करीबन 15 से 17 लोग उस जीप में सवार थे और अकिलपुर गांव से तिलक समारोह में से आ रहे थे, उसी वक्त ये जीप जो है पीपा पुल के रेलिंग से टकरा गई। आए दिन इस पीपा पुल पे दुर्घटना होती रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसने भी इस पीपा पुल को बनाया है वो पूरी तरह से जर्जर है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती रहती है, लोग जो है वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग हंगामा कर रहे हैं। पुलिस जो है वहाँ पे मौके पे पहुँच चुकी है और NDRF की टीम भी मौके पे पहुँच चुकी है और गोताखोर के मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से कुछ लोगों को वहाँ पे निकाल लिया गया है। लेकिन लोग हंगामा कर रहे हैं कि जिसने भी पीपा पुल का निर्माण किया है उनकी पूरी लापरवाही है और उसकी लापरवाही के वजह से आए दिन पीपा पुल पे दुर्घटना होती है। जिस वक्त पीपा पुल पे सवार होना होता है, जहां से शुरुआत होती है पीपा पुल की चढ़ने के लिए, वहां पे मिट्टी का दलदल की समस्या है, वहां पे धंसने की समस्या है, इसके वजह से यह दुर्घटना हुई है, स्थानीय लोगों का आरोप है। और स्थानीय लोगों ने पूरी तरह से जोरदार हंगामा किया है और करीबन इसमें 15 से 17 लोग सवार थे जीप में, जो 8 लोगों की वहां पर शव को निकाल लिया गया है और अभी भी कुछ लोग लापता हैं। और स्थानीय विधायक रीतलाल यादव वहां पे मौके पे पहुंच चुके हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं और पूरी तरह से NDRF की टीम और SDRF की टीम वहां मौके पे पहुंच गई है। गोताखोर की मदद से कुछ लोगों को निकाल लिया गया है। जो लोग उस जीप के ऊपरी भाग में सवार थे उन्होंने इस जानकारी द SD न्यूज़ को दी है, पूरी जानकारी बताई है कि ये जीप कैसे दुर्घटना हुई, पूरा कारण बताया है उन्होंने। ये उनकी बातों को सुनिए जो इस जीप में सवार थे। ये पीपा पुल पे दुर्घटना हो गया, तिलक से आ रहे थे हम लोग और फिर घर के लिए जा रहे थे लोग, वही गाड़ी पीपा पुल में डूब गई। कितने सदस्य थे लगभग? 10 आदमी लगभग। रमाकांत सिंह, गीता देवी, आशा देवी, सरोज सिंह, अनुरागी देवी और 5 बच्चे थे। अपना नाम? रोशन सिंह। कहाँ से आ रहे थे? अकिलपुर दियर से आ रहे थे लोग और अपने घर के लिए जा रहे थे लोग। 26 को बारात थी, राणा बीघा के लिए जाना था। अरविंद सिंह। कितना लोग इसमें सवार थे? 10 आदमी से कम, 10 आदमी था। रमाकांत सिंह, अभी उसी बच्चा 3 था, आप भी उसी में बैठे थे? हम ऊपर में थे, छत पर बैठे थे। हाँ, छत पर बैठे हुए 2 आदमी बैठे हुए थे। दो बच्चा हम लोग इतना देर बैठे हुए कि बाप रे बाप। सोलिंग लगाने के लिए ऊपर